केरल तो लगभग हमारा शून्य की स्थिति में है और ये काम है देश का, तो तमिलनाडु को छोड़ नहीं सकते, सांसे ही हो गए। लेकिन दक्षिण भारत के दो राज्य हमारा केरल और तमिलनाडु आया ही नहीं, तो सरकार के सामने हमारी भद्दी हो जाएगी। और फिर गड़बड़ क्या होने वाली है, गड़बड़ ये होने वाली है कि फिर वो उत्तर वर्सेस दक्षिण ऐसा जैसे हमारे साथ, तो वो चिंता हमें परेशान कर रही है, क्योंकि इतिहास में हमने ये देखा है और उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और मध्य भारत में, दक्षिण में बहुत प्रॉब्लम है। दक्षिण में थोड़े से नंबर बने तो आंध्र प्रदेश में बने, तमिलनाडु में बहुत कम और केरल में तो काफी बड़ा है। हम ऐसा मानते हैं कि अगर दक्षिण भारत से मान लो हमको करोड़ों में नहीं तो कुछ लाख मेंबर तो मिल लेनी चाहिए, कम से कम दक्षिण भारत में हम कल हिसाब निकाल रहे थे, तमिलनाडु अकेले राज्य में कम से कम 10 लाख ऐसे भारतवासी हैं जो उत्तर से, हम इसमें तमिलनाडु में अपनी तरफ से बस की बात कर रहा हूँ कि हम कमजोर हैं काफी, हमारा संगठन अभी इतना बड़ा नहीं है, हमारी रक्षा की भी नहीं चल रही है, शिक्षा की भी नहीं चल रही है, जितने उत्तर दक्षिण में, तो इन सबको बढ़ाने में आप सभी 10 लाख मेंबर हमें हो जाए और हर जगह से 20-25 हज़ार का रिजर्वेशन हो जाए पूरे तमिलनाडु के अंदर से, तो बात में नहीं तो वहीं जाकर एक छोटी सी बात के लिए सारा मामला अटक सकता है। ये और संसद को ये कहने का क्योंकि विद्यार्थी इनके बीच में बताएंगे, अगर किसी भाषा की दिक्कत होगी तो मेरी यही दिल्ली तमन्ना थी कि आपका अनुवादन मैं मेरी जिंदगी में एक बार जरूर करूंगा, प्रभु से यही इच्छा करूंगा। और यहाँ पर पधारने के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और श्रीमान आपका ज्यादा समय न लेते हुए श्रीमान राजीव जी दीक्षित को इस मंच पर आपके ही विषय स्वाभिमान, स्वदेशी, स्वास्थ्य और चिकित्सा पढ़कर तो मुझे भी ऐसा लगा कि 2.5 घंटे में इतने बहुल विषयों पर आप कैसे हम सबको अपनी विचारना समझाएंगे, और मेरी पूरी विश्वास है कि आप पहली बार आए हैं यहाँ पर, बार बार आएंगे मदुरई की धरा पर, और हमने अपने बहुमूल्य विचारों से प्रेरित और हमें भी इस पद पर आगे अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। धन्यवाद। इस सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप यहां उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले सभी आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया। भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान सारे देश में चल रहा है, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। यह अभियान परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया 5 जनवरी 2009। अभियान शुरू हुआ हरिद्वार से और अब लगभग 1.5 साल में ये अभियान भारत के 680 जिलों तक पहुंच गया। इस अभियान में लगभग 2,40,000 योग शिक्षक काम कर रहे हैं और 10,000 से ज्यादा इसमें पदाधिकारी हैं। अगले 2 साल में 11,00,000 योग शिक्षक इस अभियान में और आने वाले हैं।
मतलब 2 साल बाद हमारे पास 13,40,000 योग शिक्षक हो जाएंगे। और ये जो संख्या है 13,40,000, इस संख्या का मतलब है कि भारत के हर गांव में हमारे 2 योग शिक्षक हो जाएंगे। भारत में लगभग 6,38,365 गांव हैं, हर गांव में 2 योग शिक्षक। और साथ ही साथ अगले 4 साल में हम इस अभियान में 5 करोड़ लोगों को मेंबर बनाने वाले हैं, इस अभियान का सदस्य बनाने वाले हैं। और एक व्यक्ति अगर सदस्य बने तो वो कम से कम 10 लोगों को प्रभावित करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि 50 करोड़ लोगों को हम प्रभावित कर पाएंगे इस अभियान के माध्यम से। काम क्या करना है, किस उद्देश्य के लिए हमने ये सब शुरू किया है, 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत के हर नागरिक को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना, रोग मुक्त बनाना। और दूसरा उद्देश्य है भारत देश को निरोगी बनाना, रोग मुक्त बनाना। नागरिक हमारे स्वस्थ हों और देश भी हमारा स्वस्थ हो। नागरिकों को स्वस्थ बनाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इस समय अपने देश में बहुत बीमारियां हैं, इलाज किसी का नहीं है, बीमारियां बहुत हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम जिसको कहते हैं ना प्रगति कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं। जितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा बीमारियां आगे बढ़ रही हैं। अगर भारत देश की आज की स्थिति का अंदाजा लगाएं आप, तो इस समय भारत में 5,70,00,000 लोग डायबिटीज के शिकार हैं। 5,70,00,000 बहुत बड़ी संख्या है। डायबिटीज बहुत खराब बीमारी और हर साल इसमें लोग मर रहे हैं डायबिटीज में, क्योंकि डायबिटीज का जो इलाज होता है ना वो डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक है। इलाज में क्या होता है, इंसुलिन नाम की एक दवा आपको दी जाती है, या तो इंजेक्शन के माध्यम से या तो गोली के माध्यम से। इंसुलिन बहुत खराब है, डायबिटीज उतनी खराब नहीं है, उससे ज्यादा इंसुलिन खराब है। अगर कोई व्यक्ति लगातार इंसुलिन पर निर्भर हो जाए तो ये पक्का मान लीजिए कि उसकी दोनों किडनी फेल होंगे, पक्का है, कोई नहीं बचा पाएगा। अगर कोई व्यक्ति लगातार इंसुलिन पर निर्भर हो जाए तो उसके हृदय में कभी भी अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक। और अटैक वो है ना कार्डियक अरेस्ट, एक होता हार्ट अटैक और एक है कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में तो जिंदा रहने की संभावना है, कार्डियक अरेस्ट में बचा नहीं पाते किसी को, क्योंकि समय नहीं मिलता उसमें। किसी भी व्यक्ति का अगर इंसुलिन पर निर्भरता है तो पक्का मानिए कि उसको पैरालिसिस हो जाएगा, कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, नपुंसकता कभी भी आएगी, आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। इंसुलिन की निर्भरता सबसे ज्यादा खराब। डायबिटीज के जो विशेषज्ञ है ना वो खुद कहते हैं डायबिटीज खतरनाक नहीं है, इंसुलिन खतरनाक है। अब समस्या क्या है कि इंसुलिन के अलावा दूसरा इलाज नहीं है, एलोपैथी में वही एकमात्र इलाज है। इसलिए मैं बहुत दुख से ये बात कहता हूं आपसे कि लोग डायबिटीज से इतने नहीं मरते, इंसुलिन से मरते। और ये बीमारी 5,70,00,000 लोगों को है। ऐसे ही हृदय की बीमारी 4,80,00,000 लोगों को है। ब्लॉकेज है हार्ट में 4,80,00,000 लोगों को। इसी तरह से 12 करोड़ लोगों को आंखों की तकलीफ में है, किसी को कम दिखता है, किसी को बिल्कुल नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता, दिन में नहीं दिखता, रंगों का अंतर पता नहीं चलता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। 12 करोड़ लोग। 14 करोड़ लोगों को दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा। और दमा के बारे में सभी डॉक्टर ये कहते हैं कि दमा दम निकलने के बाद ही जाता है, माने इलाज नहीं है उसका। इसी तरह भारत में 17 करोड़ लोगों को घुटनों का दर्द है,
घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, इसका भी इलाज है, अर्थराइटिस। और उसके दो हिस्से हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और इससे भी ज्यादा खराब है गाउट, गठिया जिसको आप कहते हैं। 20 करोड़ भारतवासियों को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन माने बीपी ऊंचा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और अगर ये मैं सुनाता ही जाऊं तो आप सुनते जाओगे। 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है और 25 लाख हर साल मर जाते हैं कैंसर में इस देश में। बीमारी ही बीमारी है। भारत सरकार कहती है कि 77 करोड़ भारतवासियों को भयंकर रोग, 77 करोड़, और जिनका कोई इलाज नहीं है, उपाय नहीं। और करीब 23 करोड़ भारतवासियों को सामान्य रोग है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, टॉन्सिलाइटिस, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। ये वो रोग हैं जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, ये लाइलाज नहीं है। लेकिन ये रोग भी करीब 23 करोड़ लोगों को है, माने 100 करोड़ लोग पूरी तरह से बीमारियों की चपेट में है। ये देश की हालत है। अब सरकार के पास इनका इलाज करने के लिए पैसे नहीं। हमारी जो सरकार है, एक साल में 100 करोड़ जो बीमार लोग हैं उनके इलाज पर 23,700 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, कुल मिला 23,700 करोड़। और इसमें से लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्च होता है डॉक्टर्स और जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसकी तनख्वाह और टीएडीए देना। माने चिकित्सा का जितना खर्च है उसका 80% तो डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल की बिजली, हॉस्पिटल का पानी, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, इन्हीं सब के खर्चे में चला जाता है 20,000 करोड़। आदमी जो है बीमार उनके इलाज पर खर्च होता है 3,700 करोड़। अब बीमार हैं 100 करोड़, इसका माने हर आदमी के इलाज पर खर्च होता है 37 रुपया, और वो भी साल भर में, एक दिन में नहीं, पूरे साल में सरकार हर बीमार आदमी के लिए 37 रुपए बजट में खर्च करती है। अब 37 रुपए में 365 दिन क्या इलाज करोगे आप? सर्दी खांसी का भी इलाज नहीं हो सकता 37 रुपए में। डायबिटीज और अर्थराइटिस जैसी बीमारी तो हम भूल ही जाए। माने सरकार के पास पैसे नहीं है इलाज करने के, तो परिणाम क्या होता है? हम सब अपना इलाज करने के लिए खुद पैसे खर्च करते हैं। करना चाहिए सरकार को, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं, इसलिए हमें करना पड़ता है। सरकार को क्यों करना चाहिए आपका इलाज? इसलिए कि आप सरकार को टैक्स देते हैं इस काम के लिए। हम सब भारतवासी साल भर में सरकार को 21 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं साल भर, 21 लाख करोड़। और ये टैक्स हम तीन जगह देते हैं, एक तो केंद्र सरकार को देते हैं, फिर राज्य सरकार को देते हैं, फिर नगर पालिकाओं को देते हैं। केंद्र सरकार को जो हम टैक्स देते हैं हर साल, वो करीब 8.5 लाख करोड़ है, 8,50,000 करोड़। राज्य सरकारों को देते हैं वो करीब 10 लाख करोड़। 33 राज्य हैं तो सबका मिलाकर मैं बोल रहा हूं 10 लाख करोड़। और 2.5 लाख करोड़ हम देते हैं नगर पालिकाओं को। भारत में करीब 14,000 नगर पालिकाएं हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो 2.5 लाख करोड़ नगर पालिकाओं को दे दिया, 10 लाख करोड़ राज्य सरकार को, 8.5 लाख करोड़ केंद्र को, कुल मिलाकर हमने दे दिया 21 लाख करोड़। और ये जो टैक्स हमने दिया इस उम्मीद में कि सरकार हमारी चिकित्सा की सुविधा करेगी,
बिजली की सुविधा करेगी, पानी की सुविधा करेगी, सड़क की सुविधा करेगी, शिक्षा की सुविधा करेगी, हमारे सुरक्षा की सुविधा करेगी, विदेशी आक्रमण से देश को बचाएगी, इसलिए तो टैक्स देते हैं, नहीं तो टैक्स देने का मतलब क्या। अब हम तो दे रहे हैं ईमानदारी से हर साल टैक्स, लेकिन सरकार उतनी ईमानदारी से हमारे ऊपर वो खर्च नहीं कर रही है। अगर मैं मोटी मोटी सी जानकारी आपको दूं, तो हर आदमी सरकार को साल में 21,000 से ज्यादा का टैक्स भर रहा है, हर आदमी, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर का तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो जो दे रहे हैं वो खुद ही जानते हैं। गरीब से गरीब आदमी साल में 21,000 रुपए टैक्स में दे रहा है, और सरकार बदले में उसको 37 रुपए दे रही है चिकित्सा के खर्च के। क्या होगा उसका? शिक्षा का खर्च अगर मैं बताऊं, तो सरकार 33 रुपए हर आदमी को खर्च कर रही है शिक्षा के लिए, 37 रुपए हैं चिकित्सा के खर्च पर, शिक्षा के लिए 33 रुपए। पानी की व्यवस्था अगर करें तो उसके लिए 7 रुपए हर आदमी के लिए, सड़क की बात करें तो लगभग 9 रुपए। एक दिन मैंने ये सब जोड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, सब मिलाकर सरकार हमारे ऊपर खर्च करती है मुश्किल से 75 रुपए साल में, और हम सरकार को दे देते हैं 21,000 रुपए साल में हर व्यक्ति, और हर व्यक्ति पर खर्च हो रहा है 75 रुपए साल में। मतलब बात सीधी सी है कि हम जो दे रहे हैं बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो जाता रहा है सब पैसा, हम तो दे रहे हैं टैक्स में। किसी भी साल भारत सरकार ने ये नहीं कहा कि भारतवासियों ने हमें टैक्स नहीं दिया, हर साल हम टैक्स दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं। अभी 10-12 साल पहले 1 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते थे, अब 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। इस समय सरकार कहती है कि अगले 2 साल में 5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देंगे, माने टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ रही है, माने टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है, माने सरकार की आमदनी बढ़ रही है। फिर सरकार को क्या मुसीबत है खर्च करने में? और नए नए टैक्स लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा सर्विस टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया, अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा कभी सर्विस टैक्स सरकार ने लगा रखा है। तो नए नए टैक्स भी हमें देने पड़ते हैं और हमारी सुविधा के लिए पैसे भी खर्च नहीं होते। आखिर ये जाता कहाँ है सारा पैसा, क्या होता है इस पैसे का? तो इसके बारे में थोड़े दिन पहले एक प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी, उन्होंने एक उत्तर दिया था, और कोई प्रधानमंत्री इसका उत्तर दे नहीं सका। राजीव गांधी ने उत्तर दिया था संसद में, जब वो प्रधानमंत्री बन के आए 1984 में, तो लोकसभा में सबसे पहला भाषण उनका जब हुआ, तो उन्होंने इसी प्रश्न का उत्तर दिया कि लोग जो टैक्स के रूप में हमें पैसा देते हैं सरकार को, बदले में हम लोगों को क्या देते हैं। तो उनका ये उत्तर था कि कोई आदमी अगर 1 रुपया मुझे टैक्स के रूप में देता है, राजीव गांधी का लोकसभा में बयान है कि अगर कोई एक आदमी मुझे 1 रुपये टैक्स में देता है, तो बदले में हम उसको 1 रुपये टैक्स के उसमें से निकाल के, खजाने में से निकाल के विकास के लिए देते हैं, तो उस आदमी तक 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा जेल में गया, अधिकारियों की जेल में गया। और पूरे देश का आंकड़ा ये निकलता है 18 लाख करोड़ हर साल लूटता है इस देश में, घूसखोरी में, भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में। तो आपके लिए फिर पैसे बचेंगे कहां? 21 लाख करोड़ का टैक्स दिया आपने, 18 लाख करोड़ लूट गया, अब उसमें से जो बच गया 3 लाख करोड़, उसमें से जाएगा सेना के लिए 1.5 लाख करोड़, तो अब रह गया 1.5 लाख करोड़। अब 1.5 लाख करोड़ में क्या होगा पूरे देश का, जिसकी आबादी 120 करोड़। इसलिए भारत में
कोई भी काम सरकार ठीक से नहीं कर पाती, न शिक्षा का कर पाती है। शिक्षा का काम कितना बुरा है सरकार का। आजादी के 63 साल के बाद भी भारत में 50 करोड़ लोग निरक्षर हैं, और इससे भी ज्यादा दुख है मुझे कि भारत में जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं ना पहली कक्षा में सारे देश में, उसमें से मुश्किल से 2% ही उच्च कक्षा तक पहुंच पाते। पहली कक्षा में अगर मान लो 100 बच्चों ने एडमिशन लिया तो आखिरी कक्षा तक पहुंचते पहुंचते वो 2 रह जाते। आखिरी कक्षा माने एमए मान लो, एमएससी मान लो, एमकॉम मान लो, एमबीए मान लो, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। इतना बुरा हाल है हमारी शिक्षा का, और 50 करोड़ से ज्यादा निरक्षर है इस देश में। और इससे भी ज्यादा बुरा हाल है कि भारत में जितने विद्यालय चल रहे हैं बच्चों को पढ़ाने वाले, इनमें से 90% विद्यालयों में टॉयलेट नहीं है और बाथरूम नहीं है। 90% पूरे भारत, और जहां टॉयलेट नहीं होगा बाथरूम नहीं होगा वहां बिल्डिंग कैसी होगी आप अंदाजा लगा। वो स्कूल पेड़ के नीचे लगते हैं, बारिश भयंकर हो जाए तो स्कूल नहीं चलता। इतना बुरा हाल है। बिजली की बात करें तो बिजली हिंदुस्तान में अभी आजादी के 63 साल के बाद 3 लाख गांव तक पहुंची नहीं अभी तक। मेरा जन्म उत्तर भारत के एक गांव में हुआ, उस गांव का जिला है अलीगढ़। अलीगढ़ जो है दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है, माने राजधानी के नजदीक है। तो मेरा गांव राजधानी से 130 किलोमीटर है और मेरे गांव में बिजली नहीं है अभी। मेरी पूरी पढ़ाई लालटेन में की है मैंने, मोमबत्ती और लालटेन, और मेरे जैसे 3 लाख गांव हैं देश। इतना बुरा हाल है। सड़क नहीं है 4 लाख गांव में, बिजली नहीं है 3 लाख गांव में, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बीमारियों का इलाज करने के लिए दवाएं नहीं है। तो ये इतना बुरा हाल देश का क्यों है? एकमात्र कारण है उसका राजीव गांधी का उत्तर कि हम जो टैक्स में इकट्ठा करते हैं इसका 85% लूट लेते हैं हम, 15% बचता है उसमें पूरे देश का खर्च नहीं चल पाता। अब मैं इससे भी ज्यादा खराब बात आपसे कहने आया वो ये कि राजीव गांधी अब जीवित नहीं, उनका बेटा है राहुल गांधी, वो इस समय लोकसभा में है। उसने अभी कहा कि मेरे पिताजी के समय में 1 रुपए से 15 पैसा गरीब आदमी तक पहुंचता था, अब मेरे समय में 1 रुपए से 8 पैसा ही गरीबों तक पहुंचता है। अब 2010 में इतना बुरा हाल, सिर्फ 8 पैसा पहुंचता है। माने भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, घूसखोरी रिश्वतखोरी और बढ़ गई। तो हम ये अपेक्षा अब नहीं रख सकते कि सरकार हमारी शिक्षा की व्यवस्था करे, चिकित्सा की व्यवस्था करे या विकास करे, हो ही नहीं सकता। जब तक भ्रष्टाचार पर हम रोक नहीं लगाते, कानून नहीं बनाते, कठोरता नहीं उठाते, तब तक तो किसी का भी विकास होना संभव नहीं। अब एक तरफ ये स्थिति है सरकार के पास पैसे नहीं है इलाज करने, और दूसरी तरफ बीमारियां रात दिन बढ़ रही हैं, तो क्या किया जाए? तो एकमात्र उपाय है कि हर आदमी को इलाज करने के लिए खुद तैयार किया जाए। हमारे बजट में 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं अक्सर, आप बजट भाषण सुने ना, तो सरकार का वित्त मंत्री जब बजट पेश करता है तो 2 शब्दों को बार बार रिपीट करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? सरकार के द्वारा किया गया खर्चा। तो मैंने कहा हर व्यक्ति पर 37 रुपए खर्च होगा सरकार,
ये है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर आपके द्वारा आपके लिए किया गया खर्चा, वो है प्राइवेट एक्सपेंडिचर। जब सरकार खर्च नहीं करेगी चिकित्सा पर तो आपको ही खर्च करना पड़ेगा अपनी चिकित्सा पर। तो दुख ये है कि आप 21 लाख करोड़ का तो टैक्स दे देते हो, फिर उसके बाद अपने इलाज पर 7 लाख करोड़ रुपए और खर्च करते हो हर साल। सरकार को दे दिया 21 लाख करोड़, अब 7 लाख करोड़ और खर्च करोगे तब आप अपनी चिकित्सा की व्यवस्था कर पाओगे, माने ये है प्राइवेट एक्सपेंडिचर। और ये जो 7 लाख करोड़ रुपए आप खर्च करोगे अपने इलाज पर, ये कहां से आएंगे? तो इस पैसे को जमा करने के लिए कोई दुकान बेचता है, कोई मकान बेचता है, कोई घर के गहने बेचता है, कोई दुकान और मकान को गिरवी रखता है, कोई खेत बेचता है, कोई खलिहान बेचता है, और किसी के पास बेचने को कुछ नहीं है तो कर्ज लेता है, तब जाके इलाज हो पाता है, क्योंकि इलाज बहुत महंगा है। एक छोटी सी इलाज की बात करूं, हमको हार्ट अटैक आए तो हम जाते हैं ऑपरेशन के लिए, उसका नाम है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी सबसे आसान ऑपरेशन है, सबसे आसान, सबसे सस्ता, सबसे आसान, लेकिन ये कितना महंगा है आपके लिए। एक एंजियोप्लास्टी कराने में कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्च होता है, और अपोलो जैसे हॉस्पिटल में 2 लाख 2.5 लाख खर्च होता है। और इलाज में किया क्या जाता है, आपके हृदय में रक्त देने वाली जो वाहिकाएं हैं, जिनको हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं, कुछ रक्त लेके आती है कुछ लेके जाती है। बारे में अच्छे से पता चल गया डॉक्टर को कि मोटी पार्टी है तो 3 लाख भी ले लेगा, और आप में थोड़ी बेशर्माई है, वैसे है नहीं, लेकिन हम में से कुछ लोग जो थोड़े बेशरम किस्म के हैं वो डॉक्टर से भाव तोल करेंगे तो उनसे 75,000 भी ले लेगा वही डॉक्टर, कभी कभी 50,000 में भी कर देगा वही ऑपरेशन, क्योंकि उसका क्या जाता है, 10 रुपए का माल है उसका, 50,000 भी उसको पैसे मिले। और आजकल चेन्नई और बेंगलोर में ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो एक पर एक फ्री ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ, एक पर एक फ्री, बहुत हॉस्पिटल। तो माने ऐसा धंधा चल पड़ा है जैसे सब्जी भाजी बेचने का, 1 किलो आलू लो 1 किलो प्याज फ्री, एक ऑपरेशन कराओ दूसरा ऑपरेशन फ्री, इसका माने लूट इसमें इतनी बड़ी है आप सोच नहीं सकते। और कानून कोई है नहीं इस देश में, आप एंजियोप्लास्टी मदुरई में कराओ हो सकता है 75,000 खर्च हो, वो मद्रास में कराओ हो सकता है 1 लाख रुपए खर्च हो, वो दिल्ली में कराओ तो हो सकता है 1.5 लाख खर्च हो, कुछ फिक्स नहीं है। एक ही ऑपरेशन 3 अलग शहरों में कराओ अलग अलग खर्चा है, जबकि वो डलना एक ही स्प्रिंग है 10 रुपए का, ध्यान रखना 10 रुपए का माल आपसे 1.5 लाख रुपए लेगा। और इसमें समस्या पता है क्या है, समस्या ये है कि जो स्प्रिंग डालते हैं वो 6-8 महीने में बेकार होता है, उसकी उम्र उतनी, 6 से 8 महीने के बाद वो बिल्कुल बेकार है, फिर दोबारा अटैक आपको आता है, फिर दूसरी स्प्रिंग डालता है डॉक्टर, फिर 6-8 महीने बाद तीसरा अटैक आता है, और 3 अटैक के बाद फिर आपकी जयराम जी की हो जाएगी। डॉक्टर आपसे ले लेगा कम से कम 4.5-5 लाख और आप भगवान जी के पास चले जाएंगे, ये है सारा खेल। कारण जानते हैं क्या है, ये जो एंजियोप्लास्टी है ये सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है, सारी दुनिया के विशेषज्ञ कहते हैं ये सफल नहीं है। तो आप कहोगे जी बाईपास कराएं क्या, बाईपास भी सफल नहीं है, आज आपने बाईपास कराया कल फिर अटैक आ सकता है, कोई गारंटी नहीं उसकी। तो आपको ओपन हार्ट सर्जरी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। ये तो बड़ी समस्या है, खर्चा भी करें और इलाज की कोई गारंटी नहीं। सभी के बारे में यही कहा जा सकता है, आपको अगर बीपी है हाई,
कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आपका बीपी ठीक करा दे वो किसी भी दवा से। वो कहेगा जिंदगी भर खाओ गोली। अब जिंदगी भर तो खाना खाया जाता है, गोली थोड़ी खाई जाती है। गोली तो महीने दो महीने खाए ठीक हो जाए उतना ही है, खाना खा सकते हैं रोज, लेकिन वो कहते हैं रोज गोली खाओ, चार सुबह चार दोपहर चार शाम,